एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में होम टैब के अंतर्गत सेल्स ब्लॉक में आज आप सीखेंगे सेल्स, रोज, कॉलम्स और शीट्स इंसर्ट करना और डिलीट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए ये हमारा डेटा है, इसमें अलग अलग हेडिंग्स हैं, नेम, फर्स्ट क्वार्टर सेल, सेकंड क्वार्टर सेल, थर्ड क्वार्टर सेल और फोर्थ क्वार्टर सेल दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सिक्स्थ रो है उसमें हमने गलती से सेकंड क्वार्टर सेल को फर्स्ट क्वार्टर सेल हेडिंग के अंतर्गत लिख दिया है और उसी तरह से थर्ड क्वार्टर सेल को सेकंड में और फोर्थ क्वार्टर सेल को थर्ड में लिख दिया है। ऐसी स्थिति में इसको सही करने के लिए हमको एक सेल इंसर्ट करना है फर्स्ट क्वार्टर सेल में। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां हमको सेल इंसर्ट करना है वहां क्लिक करेंगे, उसके बाद सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट के अंतर्गत हमको इंसर्ट सेल्स वाला ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, शिफ्ट सेल्स राइट और शिफ्ट सेल्स डाउन। अगर सेल को राइट में शिफ्ट करना है तो ऊपर वाला ऑप्शन चुनें और नीचे शिफ्ट करना है तो दूसरा वाला ऑप्शन चुनें। हमने पहला वाला ऑप्शन चुना है, शिफ्ट सेल्स राइट। अब ओके कर दें। ये देखिए सेल्स राइट में शिफ्ट हो गई है और जहां हमको एक नई सेल चाहिए थी वो वहां पर आ गई है। अब हम यहां पर फर्स्ट क्वार्टर सेल की जो वैल्यू है वो डाल देंगे तो हमारा ये डेटा पूरा सही हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें हम नेम के बाद एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट का। उसके लिए जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम इंसर्ट करना है उस कॉलम को ऊपर से सिलेक्ट कर लें और इसके बाद होम टैब के सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट ऑप्शन में जाकर के इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर दें। ये देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जिस भी कॉलम के पहले आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो उस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें और यहीं से सीधे इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये देखिए कॉलम आ गया है। अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम्स एक साथ इंसर्ट करना है तो जितने कॉलम्स इंसर्ट करना है उतने कॉलम्स आप पहले सिलेक्ट कर लें। जैसे हमको दो कॉलम्स चाहिए तो हमने ये दो कॉलम्स सिलेक्ट कर लिए हैं और अब या तो आप सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट पर जाकर के इंसर्ट शीट कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करके कॉलम्स इंसर्ट करें या फिर सीधे यहीं ऊपर राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दें। ये देखिए दो कॉलम्स यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं। अब अगर इनको डिलीट करना हो तो वापस से आप कॉलम को सिलेक्ट करें और सेल्स ब्लॉक में डिलीट पर जाकर के डिलीट शीट कॉलम्स पे क्लिक कर दें तो ये कॉलम डिलीट हो गया है। या फिर एक या जितने भी कॉलम्स डिलीट करना हो उनको सबको सिलेक्ट करके ऊपर माउस रख के राइट क्लिक करें और यहीं से सीधे डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको रोज इंसर्ट करना हो तो जिस भी रो के पहले आपको रो इंसर्ट करना है उस रो को सिलेक्ट करें, सेल्स ब्लॉक में इंसर्ट वाले ऑप्शन पर जाएं और यहां से इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ रो इंसर्ट हो गई है। दूसरा ऑप्शन है जिस भी रो के ऊपर आपको नई रो इंसर्ट करना है उस रो के नंबर पर राइट क्लिक करें और फिर यहां से इंसर्ट पर क्लिक कर दें। ये रो इंसर्ट हो गई है। एक से ज्यादा रोज इंसर्ट करना हो तो जितनी रोज इंसर्ट करनी है उतनी रोज सिलेक्ट करें और नंबर पर राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक कर दें। यह हमने तीन रोज सिलेक्ट की थी तो तीन रोज इंसर्ट हो गई हैं। इनको भी आप उसी तरह से डिलीट कर सकते हैं जैसे हमने कॉलम्स को डिलीट किया था।
जिस भी रो को डिलीट करना हो इसको सिलेक्ट करके सेल्स ब्लॉक में डिलीट ऑप्शन में जाकर के उसको डिलीट कर दें, या फिर एक या जितनी भी रोज आपको डिलीट करनी हो उनको सिलेक्ट करके नंबर पर राइट क्लिक करके यहां से सीधे डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसी तरह यदि आपको वर्कशीट इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट में जाकर इंसर्ट शीट्स पर क्लिक करें। ये देखिए एक और शीट आ गई है, या फिर नीचे प्लस का साइन दिया हुआ है इस पर क्लिक करें। ये देखिए एक शीट और आ गई है। इस तरह से आप जितनी शीट्स इंसर्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए शीट के नंबर्स जो हैं वो थोड़े गड़बड़ा गए हैं, तो हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं। शीट को मूव करने के लिए जिस भी शीट को मूव करना हो उस पर क्लिक करें और ड्रैग करके जहाँ उसे ले जाना है वहाँ ले जा करके छोड़ दें। जैसे ये शीट वन को हम शीट टू के पहले ले आए हैं, अब हमारी सारी शीट्स लाइन से जम गई है। अब आपको जिस भी शीट पर जाना हो उस शीट नंबर पर आप क्लिक कर दें तो वो शीट खुल जाएगी। ये देखिए अब ये शीट टू खुल गई है। इसी तरह शीट थ्री भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज का उपयोग कर सकते हैं। अगली शीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन कीज प्रेस करें। ये हम शीट वन से शीट टू पर आ गए, और पिछली शीट पर जाने के लिए कंट्रोल और पेज अप कीज प्रेस करें। इस तरह से अगर आप चाहें तो शीट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए जिस शीट को डिलीट करना हो पहले उस पर क्लिक करें और फिर ऊपर होम टैब के सेल्स ब्लॉक में डिलीट का ऑप्शन मिलता है, वहां पर क्लिक करके डिलीट शीट पर क्लिक कर दें। ये देखिए शीट टू जो है वो डिलीट हो गई। दूसरा तरीका ये है कि जिस भी शीट को डिलीट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और फिर यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये देखिए शीट थ्री भी डिलीट हो गई। एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में होम टैब में सेल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा सेल्स, रोज, कॉलम्स और शीट्स इंसर्ट करना और डिलीट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।